अब हम एक क्रियाकलाप देखते हैं। हमने प्रकाश संश्लेषण को अच्छे से समझ लिया था, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, किस प्रकार से इसमें रॉ मटेरियल कच्चे पदार्थों के रूप में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, इसमें पानी का उपयोग किया जाता है तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यह क्रिया क्लोरोफिल नामक जो पिगमेंट्स या जो लवक होता है पौधों के उसकी सहायता से यह क्रिया होती है। तो जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल से किस प्रकार से एक जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण यहाँ पे होता है और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे मुक्त होती है। ऑक्सीजन जो है वह इस क्रिया में जो आती है वह जल के अणु के द्वारा आती है। तो इस प्रकार हमने ये चीजों को समझा था। अब हमें इस क्रियाकलाप, क्योंकि हम देखे हम साइंस के स्टूडेंट है और साइंस के स्टूडेंट ये कैसा मानेंगे जब तक कि वह चीज हम सिद्ध न कर दे या हमें कोई प्रूफ न मिले कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किस प्रकार से होता है, या हम ये कहते हैं कि यह क्रिया प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है, हरित लवक की उपस्थिति में होती है, या बिना हरित लवक के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। तो जरूरी है कि इससे संबंधित हमें प्रयोग देखना चाहिए, क्योंकि यदि हमने ये कहा कि प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है या उस भाग में होता है जहां पे क्लोरोफिल होता है, क्योंकि क्लोरोफिल को हमने क्या कहा था, इसको क्लोरोफिल को हमने इसकी इकाई कहा था कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, क्लोरोफिल है, या क्लोरोफिल को हमने अंगक भी कहा था कि प्रकाश संश्लेषण का जो अंगक होता है वह क्लोरोफिल होता है और यह इसके पादपों की जो कोशिकाएं होती है इसमें यह उपस्थित होता है। तो अब हम इस क्रियाकलाप का क्या नाम दें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता, तो नाम दे देते हैं। जो प्रयोग है इसको क्या लिखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल 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 की आवश्यक क्लोरोफिल की आवश्यकता, ठीक, कि बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो ही नहीं सकती। तो इस चीज को हम यहां पे समझते हैं। क्रियाकलाप है प्रकाश प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल क्लोरोफिल आवश्यक आवश्यक। इस चीज को हमें यहां पे प्रूव करना है कि किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक होता है, या मैं ये कह सकता हूं कि बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। तो इसको हमें क्या है करके देखना है या इसको प्रूव करना है कि क्लोरोफिल के बिना किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम आपने देखा होगा कि घरों में मनी प्लांट होते हैं, इसकी एक पत्ती ले लेते हैं, ठीक है, ये पत्ती को लेने के बाद, या इसपे आपने देखा होगा कि कुछ चितकबरे से होती है, कुछ सफेद स्पॉट्स होते हैं, कुछ हरे स्पॉट्स होते हैं, तो वो स्पॉट्स वाली पत्ती को हमें लेना है कि उसमें इस प्रकार से, ये मान लो कि यहाँ पे एक पत्ती है इस प्रकार से, ठीक, अब यहाँ पे जो पत्ती है इस पे जो डॉट्स होते हैं, इस डॉट्स के माध्यम से हमें, कई जगह आपने देखा होगा किस प्रकार से कुछ सफेद डॉट्स होते हैं और कुछ हरे डॉट्स होते हैं इस प्रकार से, ठीक, तो हमें इनको अंकित कर लेना है कि सबसे पहले कि पत्ती पे मान लो कि ये सफेद है तो इसको हमने सफेद स्पॉट लिख दिए और यहां पे हमने लिख दिया कि ये हरे स्पॉट्स है, ठीक है। अब हो सकता है कि ये भी हरा हो या ये भी हरा हो, या हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से हमें क्या कर रहा है इसको अंकित कर लेना है कि इसमें हरे स्पॉट्स कौन से हैं और सफेद स्पॉट्स कौन से हैं। अब क्या करेंगे,
हमें पूरे गमले को उठा के यहां पे हमें कम से कम ये मान के चलो कि एक हफ्ते के लिए हम उसको अंधेरे बंद कमरे में रख देते जहां की प्रकाश नहीं पहुंचे। तो इस समय क्या होगा, यदि हम इसको गमले को या इस पूरे पौधे को क्या करेंगे, इसकी जो बेला होती है इसको हम बंद कमरे में रखते हैं तो वहां पे अब प्रकाश नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो इसमें जो संचित भोज्य पदार्थ जो कि स्टार्च होता है, क्या होता है स्टार्च, आपको पता है ना कि स्टार्च जो होता है यह जब यह कार्बनिक पदार्थ जिसको कि हमने कार्बोहाइड्रेट कहा था C6H12O6 जो कि सरलतम कार्बोहाइड्रेट का रूप है, यह कार्बोहाइड्रेट जब इसका उपयोग नहीं होता है तो पौधे क्या करते हैं इसको स्टार्च के रूप में एक संचित भोजन के रूप में इसमें यह उपस्थित होता है। तो अब इस स्टार्च का उपयोग उस समय पौधे करते हैं जिस समय की इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रहा या नया भोजन इसमें नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे इसका यह उपयोग कर लेंगे। चलिए अब ये भोजन इन्होंने खर्च कर लिया, खा लिया या इन्होंने उपयोग कर लिया, अब इसका स्टार्च जो है वो खत्म हो गया है। ठीक, अब इस पौधे को पुनः हम क्या करेंगे सूर्य प्रकाश में रख देंगे, क्या करेंगे सूर्य प्रकाश। अब सूर्य प्रकाश में इस पौधे को रख देंगे तो क्या होगा, पुनः जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी, प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी इसमें, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होने के बाद इस पत्ती को क्या करेंगे हम तोड़ लेंगे। ठीक, अब इस पत्तियों को पहले से हमने अंकित कर रखा है कि इसमें हरे स्पॉट्स तथा सफेद स्पॉट्स इसमें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। अब इस पत्ती को तोड़ने के बाद इसको क्या करेंगे हम पानी, गर्म पानी में इसको उबाल लेंगे या इसको गर्म होने जो पानी गर्म करके इसको क्या उबलते हुए पानी में डाल देंगे। सीधी बात करें कि यह पानी जो है यह उबलते हुए पानी में क्या करेंगे इस पत्ती को हम डाल देंगे। ठीक है, अब इस पत्ती को इसमें डालने के बाद मान लो कि ये क्या है पत्ती है, अब इस पत्ती को उबले हुए पानी में क्या करेंगे हम उबले हुए पानी में उबले हुए पानी में डालें। ठीक, अब उबले हुए पानी में डालने के बाद इस पत्ती को क्या करेंगे हम इसको आयोडीन या जिसको हम सॉरी हम इसको एल्कोहल में डाल देंगे, एक बीकर लेंगे एक वाटर इस प्रकार से और इसमें क्या कहें है एल्कोहल है इस प्रकार से, इसमें क्या है एल्कोहल, इस एल्कोहल वाले में इसमें इस पत्ती को क्या करेंगे हम डाल देंगे, ये डाल दिया। ठीक, अब इसको किसी वाटर बाथ में डाल के इसको भी उबालेंगे। ठीक है, ये क्या है वाटर बाथ है और इस वाटर बाथ में इसको गर्म करेंगे और इसको सहारे से इसको क्या करेंगे उबालेंगे। तो यह तब तक गर्म करेंगे जब तक कि यह एल्कोहल जो है यह उबल ना जाए। अब ये एल्कोहल उबलेगा तो क्या होगा कि एल्कोहल के कारण इस पत्ती में जो क्लोरोफिल या जिसको हम हरित लवण कहते हैं यह इसमें घुलने लगेगा और एल्कोहल का कलर भी जो है वह हरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हरा हो जाएगा। यह हरा कलर क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पत्ती में उपस्थित जो क्लोरोफिल है वह इसमें घुलने लगता है एल्कोहल में और इस पत्ती से वह एल्कोहल बाहर की तरफ आने लगता है। अब यहां पे क्या होगा कि पत्ती जो है वह उसका रंग जो है वह बदलने लगता है, मतलब हल्के रंग की यह पत्ती हो रही है, हल्के पीले रंग की यह पत्ती हो जाएगी। अब इस एल्कोहल को हम अब ठंडा होने के लिए
छोड़ देते हैं और ठंडा होने के बाद इसको इस पत्ती को बाहर निकाल के इसको पानी से धो लेते हैं और धोने के बाद इसको एक पेट्री डिस्क में रखते हैं। पेट्री डिस्क पता है ना आपको, इस प्रकार की एक पेट्री डिस्क में इसको क्या करते हैं, रख देते हैं इस पत्ती को। चलिए हमने रख दिया इस पत्ती को, ठीक। अब पत्ती को धो लिया, पत्ती को इस पेट्री डिस्क में हमने क्या कर दिया, रख दिया। अब इस पत्ती में हम आयोडीन डालते हैं, पत्ती में क्या डालते हैं, आयोडीन। तो आयोडीन डालने से क्या होगा, जो आयोडीन है, इस आयोडीन के डालने से इस पत्ती में जो भाग हरे रंग के थे वहां कैसे हो जाएंगे, यह स्पोर्ट्स जो है यह बदल जाएंगे। मान लीजिए कि यहां पे हमें पत्ती बना लेते हैं, तो पत्ती बनाने के बाद सेम पत्ती बना लेते हैं इस प्रकार की एक पत्ती, ठीक। अब जो हमने स्पोर्ट्स लगाए थे, जो हमने पहले इसको अंकित कर लिया था, यहां पे मान लो ये हरे रंग के जो स्पोर्ट्स थे यह कैसे हो गए, नीले रंग में बदल गए, और जो सफेद कलर के थे उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, यह सफेद के सफेद ही रहे। तो यह नीला कलर क्यों हुआ, क्योंकि जिस भाग में स्टार्च था, मतलब कि स्टार्च या जो हरे भाग जो क्लोरोफिल था, वह क्लोरोफिल के कारण यहां पे स्टार्च का निर्माण हुआ। स्टार्च का निर्माण क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही क्या हुआ, इस कार्बनिक पदार्थ अर्थात स्टार्च का निर्माण हुआ। और जिस भाग जो सफेद भाग था, उस सफेद भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई, क्योंकि इस भाग में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं था, और क्लोरोफिल अगर उपस्थित नहीं है तो वहां पे स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे कोई भी रंग परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि उस भाग में आयोडीन के डालने से जो स्टार्च होता है वह नीले कलर का हो जाता है। यह उसका एक गुण होता है कि स्टार्च आयोडीन के साथ में नीला रंग देता है। तो इस प्रकार से, इस प्रयोग से या इस क्रियाकलाप से हमें यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वह क्लोरोफिल उसके लिए अति आवश्यक होता है, बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है यह संभव नहीं है। तो इस क्रियाकलाप में बहुत सिंपल सा है, हमने ये चीज जो प्रोसेस बताई ये अति सिंपल प्रोसेस है। हम साइंस के स्टूडेंट है, हमें इसको घर पे भी एक बार करके देखना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई सामग्रियां ज्यादा नहीं है, आयोडीन और एल्कोहल की जरूरत होती है। एल्कोहल की जगह आप स्प्रिट भी यूज कर सकते हो, आपने देखा ना स्प्रिट जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं, कहीं पे चोट वगैरह लग जाती है तो उस पर स्प्रिट लगा देते हैं ताकि वो कीटाणु मुक्त हो जाए वो जगह, तो इस प्रकार से उसका भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी एल्कोहल होता है। तो इस प्रकार से यह क्रियाकलाप